गुणाला सेवाई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणाला सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता वाला सगा वाई लाता लाता नना रमेश वरचा गुरुजी माडिया गुण प्रॉपर वरची जिला गडचिरोली महाराष्ट्र तहसील वडकांतना आणि नावा यावो ना भाषा म्हणजे मातृभाषा गोंडी नावा संस्कृती गोंडी आणि धर्म कोया गोंडी म्हणजे कोया पुण्यम नेड नना गोंडवाना दर्शन लायतो ना इत गोंडवाना दर्शन लायुता निर्माण गोंडवाना दर्शन पत्रिका तोर संपादक पेनवासी माऊर पुरकाल सुनेर सिंह ताराम एर 32 साल काम कीतु ओनाले प्रेरणा इच्छुन आणि सिंधू संस्कृती तोर संशोधक उद्वाचक तज्ञ अभ्यासक मावोर प्रेरणास्थान पेनवासी डॉक्टर मोतीरावान कंगाली एरकुनना सबसे पहले प्रेरणा इच्छुन क्याल करांतुना अदमे मावा पेन बुद्ध विषय तिनन वड़क वाल मंतुना तु मावोर लिंगो बाबा जंगो रायता मा कली कंकली दाई इन सप्पाय कुने नना काल करांतुना आणि इदे विद्यमान पत्रिका तिरुमाय उषाकिरण आत्रम मम्मी सिंधु घाटी सभ्यता तोर अभ्यासक्त सातवें वालीवाल प्रकाश दादा सलामे अकोला अमरावती मनीरावान दुग्गा एराल काल कर सुने आणि ओराल विचार इरसुने नना मावाकू गोंडवाना दर्शन फेसबुक लाइव तयार केना तर कोशिश लॉकडाऊन काढ दे 14 एप्रिल ते सुरू कीतो इद लॉकडाऊन काढ दे सुरू कीता बाद में मावा जो सदस्य मंडळ मंता अदु मावा हेलाड 47 एडमा के मावर दादाल बिच्चू अड्डे नंद किशोर नैताम दादा कमलेश गोंड मध्य प्रदेश प्रवीण मंडावी जी रमेश कासा जी एक मावा सदस्य मंडल और सब लोग में से इन्हना उन्दी आंदान मां उन्दी मंडल तुरमाने नन्हे के वर्कां तो ना अनित मंडल तब बाद में मां कुन कुछ सबसे शुरुआत से भेटे मातुरो को सुशील कुमार बच्चावत बेंगलोर पवन सयाम जी नागपुर कैलाश जत्ता राजस्थान गणेश हलमी महाराष्ट्र
माक साथ साथ वाली वालोर विजय कुमार खंडाते मावर चंद्रपुर अर्चना ताई खंडाते प्रोफेसर प्रकाश भट्टी जी संदीप वरकड़े दादा आणि मावा गोंडी भाषातून आंतरराष्ट्रीय स्तर ते वयांसाठी जीवातून रान केवल न्यूझीलंड तिकडा की मार्क पेनी मावर काकाजी गुगल तोर सबलोर आणि तेलंगणा तकिन अर्जु सिडाम ये सबलोर कुने ना शिवा जोहर की अंतना आणि ओराय लेखो संपूर्ण भारत देश तिगा मावालित पल्लो केजान तोर मा विचारता संगम जुड़े मानता और सबलोर मावर संगवार मावर दादालोर काकालोर अक्को काकोलोर आजी दादी सब लोग कुने नना अपेन जोहर की अंतना शिवा जोहर की अंतना आणि नेटा नावा विषय तिके वांतना विषय मंत नावाल पोइतुरों का शादी में पेनों का स्थान पोइतुरक ना मर्मी ने पेन ना स्थान बातल मंता इदेन बदलते वड़कनतन कोशिश किया कारण 14 अप्रैल तक इनते नेड तक की पेंट न बदल मावर सबलोर के वर्क तुर्क मती हुलु काना को प्रपिस्ताई अत पिस्ताल जागति का दाका 14 अप्रैल से अभी तक की ऑल इंडिया और कुछ वर्ल्ड के हमारे साथी के साथ हमारा सब विचारों का संगम हुआ उसके ही लिए हमने गोंडवाना दर्शन लाइव तैयार किया जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा जनरली 80-90% पूरा हुआ है मुझे माँ गोंडवाना दर्शन जो स्थापना की तुम जो सपना हुड़ सुन अत सपना था 80-90% सफलात्रों 10% पिस्ताई तदिनु धीरे धीरे मुने वयना तो कोशिश किया को जो 10% बाकी है उसको हम सभी को और भी धीरे धीरे आगे चलने का कोशिश करेंगे अभी तक जितने भी मिले हैं ऑल इंडिया में ऑल वर्ल्ड में वो सभी का किताब तैयार होगा ये सब दिल्ली से होगा हमने वो सब कुछ तैयार किए हैं तो मेरा आज का सब्जेक्ट है नावानेटा विषय मंता मैं जनरली गोंडी से बोलूं या हिंदी से ज्यादा मैं गोंडी बोलने की कोशिश करूं जिससे मुझे प्रेरणा मिला न्यूजीलैंड से मार्को पेनी मेरे काका समान है और काका है उन्होंने जब गोंडी से बात किया तो मुझे भी लगता है मैं भी गोंडी से बात करूं मैं गोंड होके भी अगर बाकी के लैंग्वेज से बात करता हूँ तो मैं खुद तो गुलाम समझता नना गोंड आसुनू दूसरों भाषा ते अगर वर्ती का तो नन खुद तो गुलाम समझे मानतुन इत प्रेरणा पहले टाकिन तो मत ताई मावा सुनील सिंह तारामानी मोतीरावन कंगालिया और जितना भी टीम टाकिन मती इत देख हाल फिलहाल इत गोंडवाना दर्शन लाइव तम माध्यम से माकु न्यूजीलैंड तकिन मार्को पेनी पुटतु गूगल का टीम पुटतु अच्छो सप्पा वड़कना लेह किया ना छापे किया ना सब कुछ मावा गोंडी ते वाता और गोंडी ते वड़कान तो रानी माक बाकी ता भाषा ते वड़की कुम ते इतनाक साटी नावा किमान समाज तिकड़ तकिन किमा जिस अवना कोक तकिन पैदा तुना लमीतल तो वाटिमायर इन जो जनरली ना ज्यादा से ज्यादा गोंडी वर्ड करना तो कोशिश किया का आणि गोंडी ते ना जितना भी विचार रह का अचरू दुसरो भाषा ते तकलीफ दाया कारण बाकी ता भाषा ना करीता भाषा गांदु आणि गोंडी नावल उपजत भाषा आंदु ते गोंडी ही ज्यादा से ज्यादा वर्ती का गोंडी में वेगवेगळा एरिया ते वेगवेगळा मंता मत्ती सब लोग एक में कतुन वड़ करना तो कोशिश की तपाई जे आणि तेन मुन्ने होता पाई जे
आणि ओईकाट या शब्दाला भारत देश तुरबरवरून ताकद आण ते नावा विषयतिक वांतुन असावेने पोईतुर अंका शादी में पेनों का स्थान पोईतुरकना मर्मीन निगा पेन ना स्थान भूमिका बातल मंता पेन मंजे बातल सबसे पहले पेन दून पुंदला का ते नावा हिसाब से पेन मंजे नैसर्गिक शक्ति तुने मावा पोईतुर समाज ते रिवाज ते संस्कृति ते पेन इंजो रिंतरों निसर्ग शक्ति अदृश्य निसर्ग शक्ति दूसरो वैद्यकीय नाम अर्थ पेन म्हणजे निसर्गता अदृश्य शक्ति असा तानाबाद में उनकी व्याख्या किया ना यार ते निसर्गता सजीव अनि निर्जीव घटक कि जिस घटक ते मात मानो जिंदा मन परांतुरट और सभी घटक म्हणजे पेन आणि माग पूजा की अंतर्माध्यन आदर्श नन व्याख्या टणतो ना तिसरा वाक्य माता पिता आणि पुरका माता पिता आणि पुरका कुंडा मंडा आणि टोंडा सोपा भाषेत माता पिता आणि पुरका बगड़ा किन माग जन्माई थी तुरंत अदमावल पेन इदाम पेन नाम की मान मूल ते नालो व्याख्यान मावा इधर से टंड सुना मावा संपादक मंडल से मात चर्चा की सुन टंड करूं ते पेन नाम बेग बेगड़ा रूप मंता जैसे निसर्ग ते हर चीज ता बेग बेगड़ा रूप मंता सजीवन निर्जीव टकता अदम लेखा पेन नाम ने वेगवेगळा रूप म्हणता आणि इतन से सबसे मावर होना पहले टोरु नना संबुना कार्ड किंवा जो भी कार्ड बाद में वेका आकृते बोना कार्ड बिस्के मती लिंग बाबा ना कार्ड वातु जो लिंग बाबा माकुनु तेन व्यवस्था वेतु मर्मींगे पेन व्यवस्था ते कीता पाहिजे जो आणि ओरु इसवी सन पूर्व 22 से 30 इत धरती तोर पहला आद्य शास्त्रज्ञ जो हत्कार दे शास्त्रज्ञ नो भिले राशि इसवी सन पूर्व काळ दे अस्किडोरु शास्त्रज्ञ पहांदी पहांदी कुपर लिंगो बाबल आणि ओना कार्ड इसवी सन पूर्व 2230 एरु सबसे पहले मानेकना मर्मिंग पेन व्यवस्था आणि गोत्र व्यवस्था ते आता पाय जाईन जो आपण सिद्धांत मांडे कीतु आणि अत सिद्धांत बाण मांडे कीतु तेकु ताना पहिला कारण म्हणता हाँ और पेन को उन्दी ते 12 तक मांडे कीते लिंगो फिलोसफी ते पेन को उन्दी ते 12 मती उन्दी ते सारुं आवना किन उन्दी ग्रट आणि 7 ता उन्दी ग्रट आणि 8 ते 12 ता कुचलोर मंतोर 7 तिके आणि कुचलोर मंतोर सारु निके ये रंडे ग्रुप बने कीते मती कालांतर ते लिंगो बाबा ना फिलोसफी तुनु मावर कोई तु लोकुर मरिंग तु आणि मर्मीना पेंट ना संख्या बदले मात इते कु मर्मी केना चालू की तु ते येन नालुंगाने संयुंग पाल पेन वार मर्मी कियान तो संयुंगानी सारों वाले कियान तो नहीं तो पहले तक आर्ड जाम केवर आंधी शुरुआत तक आर्ड किंदु भूमकाल आणि सोयराल उन्नी ते सारुंग अवनाकिन जो पेंक मंतांग और सब लोर भूमकाल आणि सात पेंक वाले सोयराल किंवा सात सात वार भूमका
आणि सात वार पण सारू वार सोयराल इवरांडे ग्रुप लिंग पिला सप्ती लिंग बाबा पेहरे तयार की मती ओना पिला सप्ती काही कारण तर मरिंग तुरत इदे कर कुछ किचडे लेका आता तान क्लिअरन्स के न त काम इदे तमा नया पीडित तान इदर नापन वाटे मानता हिंदी में बात कर हिंदी में बात करेगी क्या हाँ लिंगो हाँ चलो हिंदी में भी थोड़ा देर बात कर देता हूँ तो थोड़ा समय हो जाएगा मैंने 30 मिनट का स्पीच निकाला था अगर मराठी और हिंदी एक ही बार लेके जाना चाहता हूँ सॉरी गोंडी और हिंदी अगर एक ही बार लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे 15-20 मिनट और भी ज़्यादा लग सकते हैं तो सभी लोग मुझे माफ़ करना आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ चले मैंने कहाँ तक आया था कि लिंगो फिलोसफी तक लिंगो बाबा ने लिंगो बाबा सात देव के थे वैसे तो मैं पहले से लिंगो बाबा बोलता हूँ इसलिए नहीं तो उसको मेरा अक्को बोलना चाहिए जब उसका भी अभी मैंने स्टडी किया तो पांडी पारी के ऊपर लिंगो बाबा ये सात देव के थे मैं उसको अक्को बोलना चाहिए लेकिन पहले से मैं उनको बाबा बोलता तो अभी बाबा से बोलता हूँ लिंगो बाबा की कालावधि ईस्वी सन पूर्व 1230 की है लिंगो बाबा ने इंसान को प्यार से रहने के लिए शांति से रहने के लिए पेन और गोत्र व्यवस्था की तैयारी की पेन और गोत्र व्यवस्था की फिलोसफी दी तो ये पेन यानी क्या होता है मराठी में देव बोलते हैं हिंदी में देव बोलते लेकिन मेरा गोंडी लैंग्वेज होने के बावजूद कुछ कुछ वर्ड्स में गोंडी सी बोलूँगा तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए पेन यानी निसर्ग शक्ति प्राकृतिक शक्ति पेन यानी प्रकृति शक्ति उसी को होइतुर संस्कृति में पेन बोलते दूसरा व्याख्या बोलेंगे हम लोग कि पेन यानि प्राकृतिक अदृश्य शक्ति ये हमारा पेन है तीसरा है प्रकृति के सजीव और निर्जीव घटक प्रकृति के सजीव और निर्जीव घटक जिससे मानव जिंदा रह सकता है वो सभी हमारे पेन है ये कोइतुर संस्कृति बताती है कोइतुर कल्चर बताती है चौथा है माता पिता और पुरखा माता पिता और पुरखा जिससे हम सब पैदा हुए हैं जिसके हमारे ब्रेन में जिसके गुण है क्वालिटीज है वो हमारे पेन है ये कोइतुर कल्चर बताती है यानी गोंडी में कुंडा मंडा टोंडा लेकिन सिंपल वर्ड्स में माता पिता पुरखा तो लिंगो बाबा ने 1 से 12 तक देव की रचना की लेकिन 1 से 6 तक की भूमकाल की रचना की और 7 को सोयरा की रचना की सोयराल और 8 से 12 को कुछ सोयरा की ओर डाला और कुछ भूमकाल की ओर डाला ये लिंगो फिलोसफी है लेकिन आजकल के दुनिया में देव की सम विषम संख्या या देव की संख्या चेंज हो गई कि शादी करते हो लिंगो फिलोसफी को भूल गए हैं लेकिन अभी तो भी किमान टेक्नोलॉजिकल दुनिया में हमने लिंगो फिलोसफी को मजबूत बनाना चाहिए ये हम सब मेरा हमारा गोंडवाना दर्शन मंडप से सभी को मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ देव सिस्टम से शादी करने से क्या फायदे होते हैं वो फायदे अब सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ देव सिस्टम से शादी करने से उपजत शांतता की एटमॉस्फेयर तैयार होती है देव सिस्टम से शादी करने से कोई भी बच्चा पैदा होता है तब से उसके मेमोरी में शांति का एटमॉस्फेयर तैयार होता है
वो कैसे बोले तो एक्सप्लेनेशन करने से क्या बोलेंगे, छः छः देव भाई भाई और सात सात देव भाई भाई, और छः और सात देव वाले संगी मेहुने भाई या मामा चाचा जो भी है, रिलेशन तैयार होता है। जब तक विषम ये संख्या नहीं होती है तब तक रिलेशन तैयार नहीं होता। जनरली छः और सात का दो ही ग्रह, सोयराल और भूमकाल, जो गुंडादूर ने वो भूमकाल संगठन तैयार की थी ब्रिटिशों के काल में। भूमकाल यानी समान देव वाले का एक संगठन, इसको भूमकाल संगठन बोलते। सोयराल संगठन बोले तो सभी वहां पर आ गए, वो सोयराल संगठन अभी तक तैयार नहीं किया किसी ने, लेकिन सोयराल और भूमकाल ये दो रास्ते है हमारे रिलेशन के। तो ये पहला तो बोले उपजत शांतता तैयार होने के लिए, उसको मालूम था कि कई हजारों साल पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो लोग प्यार से कैसे रहेंगे, शांति से कैसे रहेंगे, एक मेकर को और क्रास नहीं होना चाहिए करके लिंगो बाबा ने उस जमाने में ईस्वीसन पूर्व 2230 में ये देव की स्थापना की, देव की हिसाब से शादी की स्थापना की, जिससे कई हजार साल गुजरने के बावजूद भी या करोड़ साल गुजरने के बावजूद भी सभी लोग प्यार से रहेंगे, शांति से रहेंगे, ये उसका सपना था। जिसे आज हमारा होयतुर समाज में यही अभी भी टेक्नोलॉजिकल युग में भी इतने सालों के बाद भी हमारे पास शांतता है, यानी हमारे समाज के लड़के लड़कियां इकट्ठा रहेंगे फिर भी कोई किसी लड़की को लड़का छेड़ता नहीं। कहीं पर भी देव स्थान में जब दो तीन दिन की जत्रा होती है तब भी कोई आके हमारा स्टडी कर सकते हैं। आज भी जैसे पिछले बार हमने लिंगो बाबा के स्थान में वलेकनार, वो छत्तीसगढ़ के कांकेर बस्तर के बाजू में अंतगढ़ के बाजू में है, वहाँ पर गए थे, कुछ हमारे साथ लोग आए थे, वो बोले सर बोले ऐसा कैसा कैसा सब ओपन में सोते हैं, बोला हमारे कल्चर में ऐसा ही चलता है, सभी ओपन में सोते हैं, लेकिन कुछ होता है क्या, कोई एकाध कभी लड़का लड़की कुछ छेड़ता क्या, बोला कई लाखों लोग इकट्ठा आने के बावजूद भी हमारे इसमें कभी शांतता भंग होती नहीं। आज भी ये लिंगो फिलोसफी का देन है। दूसरी बात है हमारे इसमें देव सिस्टम में से विषम देव आ गए कि उपजत नाते संबंध तैयार होते हैं। जैसे उदाहरण अगर मैं छह देव का हूँ तो छह देव की अगर लड़की आ गई तो मेरे वो बहन होती है और वो भी बोलते हैं कि मेरे भाई है, मेरा रक्षक है, वो ऑटोमेटिक उसके ब्रेन में विचार तैयार होते हैं। अगर सात देव की लड़की आई तो हमारे इसमें अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़की में भी बढ़ता है, लड़का में भी बढ़ता है, ये ऑटोमेटिकली है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये लिंग फिलोसफी का नेचुरल प्रोसेस है। ये पहला दूसरा मुद्दा हो गया। इसके बाद का मुद्दा अगर बताया जाए तो देव और देव सिस्टम और गोत्र सिस्टम से शादी करने से स्त्री पुरुष से दो जन से तैयार होने वाला तीसरा अपत्य शक्तिवान और ताकतवान होता है, क्योंकि दोनों ग्रुप के ब्लड का क्रॉस होता है और ब्लड का क्रॉस होने से जो तीसरा अपत्य तैयार होता है वो शक्तिवान बुद्धिमान और बहुत एक्टिव चपड़ तैयार होता है। जैसे आज भी हमारे कोयतुरु में हमारे बच्चे उपजत शक्तिवान है, बुद्धिमान भी है और चपड़ यानी एक्टिव भी है, जनरली खेल कूद में एक्टिव है, नेमबाज में एक्टिव है, उपजत है, उनको कोई ट्रेनिंग देने की कोई गरज नहीं। झाड़ में चढ़ना उतरना, ये पहाड़ तो बहुत छोटा हो गया, चाहे वो क्या एवरेस्ट पहाड़ भी हमारे बच्चों के लिए छोटा है, वो तो तीसरी चौथी के बच्चे चढ़ जाएंगे, उनको ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिशा की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो चढ़ जाएंगे,
क्योंकि ये हमारा उपजत गुण है जो लिंगो फिलोसफी है। लेकिन अभी कोई बोले होंगे कि आज तक क्यों नहीं गए, तो हम लोगों को इतिहास बताता है, इतिहास साक्षात्कार है, ये इस देश की सिंधु संस्कृति की, सिंधु घाटी की हिस्ट्री तो बहुत छोटा है। उससे कई साल पहले का भी इतिहास अगर देखा जाए, मैं लास्ट में बताऊंगा कालावधि सबका कहां से कहां, पोइतरों का कालावधि कहां से कहां आए वो। तो ये इतिहास अगर हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों को प्लान से पीछे लाने का सिस्टम चल रहा है, व्यवस्था चल रही है प्लानिंग से। सबसे पहले तो हमारा भाषा को मार दिया गया, नॉलेज भाषा को मारा, इसका मतलब नॉलेज को मार दिया। यानी एक एक हाथ पैर को थोड़ के लुड़ा लफंग करने का प्लान कई हजारों साल से हम लोगों को बनाया जा रहा। अरे यार, इन कवि का सच नहीं होता बोलते, और हमको बनवा बनवी किया है। हम कोई तुर है, हम कोई तुरों को आदिवासी बनाया, किसी ने ट्राइबल बनाया, किसी ने इंडिजियंस बनाया, किसी ने एबोरिजिनल बनाया, ये सब बनवा बनवी है। लेकिन हमारे लोग भी जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो जाने का कोशिश करता है उसको बीच में दबाया गया है, दबाया जाता है। ये सिस्टम अभी चालू है, पहले से, अभी से भी नहीं, कई हजार साल पहले से चालू है। हम इतिहास देखते हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री टीचर भी हूँ, इंग्लिश टीचर तो हूँ लेकिन हिस्ट्री टीचर भी हूँ, तो जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे को पीछे ये सब दिखता है। इसीलिए हम कभी कभी क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पैदा करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा। विकास हमारे लिए दूर की बात नहीं है, लेकिन हमको प्लानिंग से विकास के नाम से विनाश की ओर लेके जा रहा, हम गलत रास्ते से देते आ रहे। ऐसे देने के बावजूद भी हमारे लोग क्लास वन तक इजीली पहुंच जाते हैं, तो हमारा बहुत बड़ापन है, बहुत ग्रेटनेस है। तो मैंने कहां तक आया था कि बाबा विषम देव से शादी करने से ब्लड का क्रॉस हो जाता है, और ब्लड का क्रॉस होने से तीसरा अपत्य जो तैयार होता है वो बुद्धिमान होता है, शक्तिवान होता है, एक्टिव होता है, चपड़ होता है, जिससे खेल कूद में वो एक्टिव है, नेमबाज में एक्टिव है, चढ़ने उतरने में भी बहुत एक्टिव है। ये नेचुरल गुण है उनके, हमारे पोइतरों के। इसके बाद में और एक कहना चाहता कि बाबा दूसरी बात यह है कि ये फिलोसफी अनुवंशिक बीमारी नष्ट करती है। लिंगो फिलोसफी अनुवंशिक बीमारी को नष्ट करती है, जिससे विषम देव के और विषम गोत्र के लड़के लड़कियों का शादी होने से उनमें से उत्पन्न नहीं होने वाला जो तीसरा पत्य है उसको माँ बाप का बीमारी होता नहीं। बाय चांस एक आध बार 100 में से 1-2% होता होगा, बाय चांस, नहीं तो नहीं होता। ये अभी तक की हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसमें से हम लोग निकल रहे हैं। फिलोसफी वैसा तो लिंगो बाबा का फिलोसफी है पहले से, लिखित नहीं, इतना ही फर्क है। जैसे मेरे पिताजी को कुछ वो स्किन का बीमारी था, सफेद सफेद दाग थे बॉडी के ऊपर, तो वो हमारे ऊपर होना चाहिए लेकिन नहीं हुए। मैं वो एक एग्जांपल हूँ, मेरा पिताजी का एक बीमारी। मेरे बड़े पिताजी उनको पूरे बॉडी में काले काले ये थे बीमारी, ये घाव थे जिसे पानी निकलता है, मरते दम तक, बचपन से लेके तो मरते दम तक बीमारी था। उनके बच्चों को नहीं है,
एक भी अंश भी नहीं दिख रहा हूं मेरे घर की बात करता हूं। ये लिंगो फिलोसफी, तो इस तरह ये सिर्फ इंसान के लिए, मानव के लिए ही नहीं है लिंगो की फिलोसफी, तुम्हारे हमारे अपने सामने दिखने वाले फालतू जानवर, फालतू पंछियां, कीड़े मुंगी सबको लागू है। जैसे उदाहरण अगर दिया जाए, हमारे घर में जटली करके मुर्गियां रहते, मुर्गियां सादा मुर्गियां और वाल्टर सेलन का मुर्गिया या कुछ बेरड जैसे, इनका अगर वो कलम किया जाए, क्रॉस किया जाए, तो तीसरा जो तैयार होने वाला मुर्गा है या मुर्गी है वो बहुत एक्टिव रहती है, वो समांतर मुर्गी वालों को हाथ नहीं देती। फिर हमारे लोग बोलते हैं कि वाह नावल कर अच्छा पसी उनका मुर्गा अच्छा निकला, बहुत जीतता है, 10-10, 12-12, 15-15 जीतता है। ये कैसा है, ये क्रॉस सिस्टम है, लिंगो फिलोसफी। पशु पक्षियों में भी ऐसा ही होता है, शादी में पशु पक्षियों में इसी तरह होता है। जैसे ये अंटार्कटिका कंटिनेंट के पेंगुइन पक्षियां है, ये हमारे लिंगो फिलोसफी के अनुसार शादी करते हैं। अंटार्कटिका खंड के, अंटार्कटिका कंटिनेंट के पेंगुइन पंछिया, ये हमारे कोयतुरों का संस्कृति जैसे शादी करते हैं। कैसे? तो उनमें मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के पास मंगनी करने के लिए जाता है, हमारे इसमें डांगो उंडना बोलते हैं, मंगनी करने के लिए जाते हैं प्राइमरी स्टेज में, हर डांगों में हम बोलते हैं गुंडी में या कोयतुरों में, कोयतुरों में बोले तो माड़ा गुंडी है, सभी सभी आते हैं वहाँ पर, गोंड बिल्ला गोंड ये सब 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 आते हैं, लेकिन सब अपने कल्चर को भूलकर दूसरे को मेरे बाप बोलते हैं, खुद का बाप माँ बाप को छोड़ दिया है कुछ मैक्सिमम 80% लोगों ने, 70-80% लोगों ने, और दूसरे के माँ बाप को मेरे माँ बाप बोलते हैं। एक दिन छोड़ जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, हमारा आरक्षण वारक्षण खत्म हो जाएगा। तो मैं कहाँ तक पहुँचा था कि अंटार्कटिका खंड के यानी कंटिनेंट के पेंगुइन पक्षियाँ भी हमारे कोयतुरों की संस्कृति के अनुसार, कल्चर के अनुसार शादी करते हैं। अंटार्कटिका खंड तंग पिटेंग पेंगुइन पिटेंग में मावाल कोयतुर संस्कृति का अनुसार ते मर्मिंग किया बदम कैसा, बदम बोले तो कैसा, हाउ मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के सामने एक बर्फ की छोटी सी टुकड़ा अपने चोंच से रखती है, मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के सामने एक छोटी सी बर्फ की टुकड़ा मांगने के लिए डालती है, यानी तू मेरे को प्यार करेंगी या नहीं, या तू मेरे से शादी करेंगी या नहीं। अगर फीमेल पेंगुइन को मेल पेंगुइन पसंद आया तो वो टुकड़े को वो अपनी चोंच से उठाती है, और फीमेल पेंगुइन को मेल पेंगुइन पसंद नहीं है तो वो नहीं उठाती, घूमकर चले जाती, पीछे मुड़कर चले गई, इसका मतलब मेल पेंगुइन वो फीमेल पेंगुइन को पसंद नहीं है, ये सिस्टम है। जैसे हमारे इसमें हर डांगों में बोलते एक बॉटल दारू पकड़ के हमारे लड़के के माँ पिताजी लड़की के यहाँ जाते थे, आज भी जाते हैं हमारे इधर, वो एक बॉटल दारू माँ बाप और जब बुलाते तब वो गांव के पंच और इधर के दो तीन पंच के सामने बीच में बिठा देते। अगर वो लड़की को लड़का पसंद आया तो वो बॉटल को, एक बॉटल भर दारू को वो लड़की उठा के अंदर लेके रखती है। अगर वो लड़की को लड़का पसंद नहीं आया तो वो अंदर से निकलती नहीं, मैं नहीं उठाती, सीधा बोल देती, वो बॉटल भर दारू को नहीं उठाई, इसका मतलब उसको लड़का पसंद नहीं है, ऐसा होता है। यानी पेंगुइन पंछियों की मंगनी के सिस्टम और
हमारे पोइतूर संस्कृति की मंगनी की सिस्टम तंतो तंत 101% मैचिंग है। यह है नेचुरल फिलोसफी, लिंगो फिलोसफी जो 2200 ईस्वी पूर्व 2230 से चला आ रही है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के, हम अपनी फिलोसफी को भूल गए, अपने पुरखों को भूल गए, हमारे ठोंडा मंडा कुंडा को भूल गए, और हम पढ़े लिखे करके हम दूसरों के पीछे चल रहे। ये मुझे पर्सनली और हमारे दर्शन मंडल को और जितने भी हमारे समय विचारी ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड के लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो किमान अभी तक यह टेक्नोलॉजिकल युग में हमने समान देव वाली कोई भी बहन को देखने के बावजूद वो मेरे बहन करके सोचना चाहिए। और हर बहन अपने भाई को अपना मेरा रक्षक करके देखनी चाहिए, देख रही है। स्टार्टिंग में बताया था कि बाबा पोइतरों का डेवलपमेंट की एक प्रोसेस, जैसे लिंगो बाबा की जो कालावधि है वो ईस्वी सन पूर्व 2230 से है, तो उसके पहले से भी कैसा है वो भी बता। हमारे पोइतरों की सभ्यता का विकास का क्रम, सबसे पहले हेलो बुद्धि, बुद्धि के प्रकार है सहज बुद्धि, विवेक बुद्धि, और उसको बोला गया है होमो सेपियंस का अस्तित्व, होमो सेपियंस का अस्तित्व हिस्ट्री में है। उसका कालावधि है 9000 ईस्वी सन पूर्व 9000 से लेकर 30000 तक। होमो सेपियंस हमारे पितरों की जो गुफा में निवास करते थे, उस कोया यानी कोया का मीनिंग, जब इसे मैंने बोल रहा था कोइतुर कोइतुर, व्हाट इज कोइतुर, कोइतुर यानी क्या, कोइतुर ये कोई से तैयार हुआ है, कोई यानी क्या, व्हाट इज कोई या कोया, कोया मीन्स गुफा, पहला अर्थ। दूसरा गर्भ ओवरी, लेडीज की गर्भ ओवरी कोई, लेडीज किस नहीं तो पशु पंछी कीड़े मूंगी या फ्रूट्स के, हर इसमें कोई से पैदा होती है, फ्रूट्स भी कोई से तैयार होते हैं, दैट इज गर्भ। आधार तीसरा मीनिंग है आधार। चौथा मीनिंग है महू का पुल, महुआ का पुल यानी कोई। अच्छा तीन चार मीनिंग्स है समानार्थी साइनोनिम्स है। ये आये है 10,000 साल ईस्वी सन पूर्व। उसके बाद में कबीलाई गंड व्यवस्था आई 6,500 ईस्वी सन पूर्व। उसके बाद में आई नार गंड व्यवस्था 6,000 साल ईस्वी सन पूर्व। उसके बाद में आई कोट गंड व्यवस्था, कोट गंड व्यवस्था 5000 ईस्वी सन पूर्व। उसके बाद में आया पुनेम, पुनेम बोले तो सत्य की मार्ग, कोया पुनेम बोले तो कोया का सत्य का मार्ग, उसको बोलता है कोया पुनेम की प्रथम व्याख्या बनी 4520 ईस्वी सन पूर्व। इसका व्याख्याकार कोसोडुम, प्रथम संभुशेक कोसोडुम, इसने ये कोया पुनेम का प्रथम व्याख्या किया। उसके बाद में आया कुल गंड व्यवस्था ईस्वी सन 1200 ईस्वी सन पूर्व 1230 पांडी पारिकुप्पा लिंगो। पुनेम सत्य की द्वितीय व्याख्या पांडी पारिकुप्पा लिंगो बाबा ने किया। उसके बाद में आया सिंधु घाटी सभ्यता का उन्नत विकास ईस्वी सन पूर्व 2500 और 1750 तक, ईस्वी सन पूर्व 1750 तक। उसके बाद में आया आर्यों का आक्रमण 1800 ईस्वी सन पूर्व 1850। और जब आर्यों का आक्रमण आया तब से हमारा पोइतुर व्यवस्था नष्ट होते जा रहे धीरे 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 धीरे।
और उसको मूल का नाम से जाना जाता था। मूल मूल बोले तो हत्ती घोड़ियों के साथ में तलवार बनो के तलवार पकड़ के जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से जितने भी हमारे लोग थे उनको काट के सामने जाने वाला व्यवस्था था, जत्रा था, वो एक जर्नी था, उसको मूल का नाम से पहचानते थे। जैसे हम छोटे छोटे थे तो हमारे माँ पिताजी आजी दादी अक्का को भी हम जब रोते थे तो बेटा रोना नहीं, मूल आएगा करके हमको चुप करते थे, वही ये आर्यों का आक्रमण है। तो ये सभी को स्टडी करना हर पोइतुर का पहला जिम्मेदार है। पोइतुर रहेगा तो हम रहेंगे, अगर पोइतुर जिंदा नहीं रहेगा तो हम सही ढंग से मानव रूप से जिंदा नहीं रहेंगे, हम टोटल गुलाम हो जाएंगे। आज भी गुलाम है लेकिन टोटली गुलाम नहीं है, लेकिन हमको टोटली गुलाम किया जा रहा है। इसकी ओर सभी लोगों ने देखना चाहिए, सभी विचारी बुद्धिजीवियों ने देखना चाहिए हमको किस तरह गुलाम में रखा जा रहा है, किस तरह हमको दफनाया जा रहा है, कौन कौन से हाथ पैर को तोड़ा जा रहा है, इसकी ओर हमको देखना होगा। ये आर्यकाल से शुरू हुआ है। आर्यों के बाद में डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, ये सभी लोगों ने हमको अलग अलग रूप से दफनाने की कोशिश किए। और पहले के ये आर्य ही आज के कुछ ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि यहाँ का मूल ब्राह्मण अलग और वो आक्रमणकारी आर्य अभी ब्राह्मण बन गया है वो अलग, ये सबको हमें पहचानना होगा, तभी हम सही ढंग से बच पाएंगे, हमारा आरक्षण बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो हमको एक दिन गुलाम में जाना होगा, ये निश्चित है। इतना बोलता हूँ। अच्छा रेला बता दू क्या? अच्छा कौन सा रेला बताऊँ? मैंने तैयार नहीं किया था लेकिन बहुत हरकत नहीं, मैं बचपन से रेला नाच के आया हूँ, तो जब बोले तब, मैंने पहले ही बोलता था कोई भी सब्जेक्ट जब बोले तब, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक या दो सेंटेंस से, एक या दो वाक्यों से देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। चाहे हम सो के उठेंगे तो भी हमें कोई भी क्वेश्चनिंग कीजिए 24 घंटे, क्योंकि रात के दो दो तीन तीन बजे भी जाके हमने हमारा खून दूसरों का जिंदगी बचाया है। वो ऐसे कुछ जिंदा ही हुए हैं जो डिलीवरी के समय में वगैरह रात के दो दो तीन तीन बजे जाकर हमने ब्लड दिए है, खून दिए है, तो बाकी सब हम दे सकते हैं, जो भी मांगेंगे हम देने के लिए तैयार है। तो रेला पाटा बोल रहे चलेगा, कौन सा रेला पाटा बोल दूँ? पिछले बार मरमीना, मरमी पाटा। अच्छा हाँ, मैं मरमी के बारे में बोला हूँ इसलिए मरमी पाटा बोल देता हूँ। मंडा पाटा बोल दो, मंडा पाटा है मरमीना मंडा पाटा। अब मेरा सब्जेक्ट ही मरमी के बारे में था, देव और मरमी का हिसाब से, तो चलो मैंने मरमी पाटा ही बोल देता हूँ। मंडा पाटा पहला पाटा, यानी मंडा का पहला दिन का पाटा, शाम को एकदम स्टार्टिंग में शादी के पहला दिन जनरली ये पाटा गाया जाता है 7:30 बजे, 7:30 या 8 बजे के आसपास मंडा जाते हैं, तब से नाचना शुरू होता है रात भर। तो चलो बोलता हूँ मंडा पाटा। अरे रे ला रे ला रे रे ला जमूर मंडाते।
इरुपता मुंडा लगोता इरुपता मुंडा लगोता सहंगो इरुपता मुंडा लगोता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते बता दारा लगोता बता दारा लगोता सांगो बता दारा लगोता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते मर्दी तारा लगोता मर्दी तारा लगोता सांगो मर्दी तारा लगोता मावो रे जब तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते बता दा झूठी लगोता बता दा झूठी लगोता सांगो बता दा झूठी लगोता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते पिंडेलता झूठी लगोता पिंडेलता झूठी लगोता सांगो पिंडेलता झूठी लगोता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते ए बता दा वासा लगोता बता दा वासा लगोता सांगो बता दा वासा लगोता ए मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते वधुरता वासा लगोता वधुरता वासा लगोता सांगो वधुरता वासा लगोता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते ए बता दा कोर लगीता बता दा कोर लगीता सांगो बता दा कोर लगीता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते जमीता कोर लगीता जमुर जमीता कोर लगीता सांगो जमीता कोर लगीता मावो रे तमुर मंडाते सांगो जम करे जमुर मंडाते अरे रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला 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 अरे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला जय सेवा जय जवाहर जय लिंगो जय जंगो।